नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई पोर्टल बंद हो गया है, क्या अब पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आखिर तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों अगर आप पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर जाओगे तो दोस्तों वो वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है, प्राइवेट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे किसानों को यहाँ पर चिंता हो रही है कि अब पैसा मिलेगा या तो नहीं। इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पीएम किसान से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाता है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर आओगे तो इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट ही कल के दिन से ही वेबसाइट नहीं खुल रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग अब यहाँ पे नेगेटिव सोच लगा दिए हैं कि अब किसान के पैसा नहीं मिलेगा, या तो मोदी सरकार के पास पैसा नहीं है फंड में इसीलिए लोगों को देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों लगातार यहाँ पे डेट बाय डेट बढ़ते जा रहा है और टाइम बढ़ते जा रहा है। जैसे दोस्तों हर चार चार महीना में पैसा मिलता है, जैसे 2022 में भी मिला था, लेकिन दोस्तों 2023 में फरवरी को मिला 27 तारीख को, उसके बाद दोस्तों एक रुपया भी किसी को किसान के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। अभी दोस्तों पाँच महीना भी खत्म होने वाला है, यानी कि पाँचवा महीना भी खत्म होने वाला है, यहाँ पे दोस्तों डेढ़ महीना यहाँ पे लेट हो चुका है। ऐसे में दोस्तों लोगों का अब जो भरोसा था उड़ते जा रहा है कि अब पैसा शायद नहीं मिलेगा, अब दोस्तों पीएम किसान योजना बंद हो चुका है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना हो चाहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट को प्राइवेट कर दिया गया है। जब भी दोस्तों कोई नया अपडेट किया जाता है वेबसाइट में तो वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है। इससे दोस्तों अगर ये वेबसाइट नहीं खुल रही है मतलब सभी किसानों के लिए खुशखबरी है, जैसे दोस्तों खुलेगी कुछ ना कुछ यहाँ पे नया अपडेट लेके आया जाएगा, और दोस्तों गुड न्यूज ही रहेगा क्योंकि इसका डेट भी बढ़ते जा रहा है। अभी दोस्तों बस वेट करना है आपको कि 14वीं किस्त कब मिलने वाली है इसके बारे। जैसे दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको डिटेल्स में समझा दिया था कि बहुत जल्द ही इसका पैसा मिलेगा। वेबसाइट दोस्तों प्राइवेट हो गया है, मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज बताया जाएगा। दोस्तों वेबसाइट में कुछ ना कुछ अपडेट किया जा रहा है, हो सके तो 14वीं किस्त को यहाँ पे जोड़ा जा रहा होगा। जैसे दोस्तों वेबसाइट लाइव हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों नेगेटिव नहीं सोचना है, यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव ही है। यहाँ पे दोस्तों अगले किस्त 14वीं किस्त देने का भी कुछ ना कुछ को अपडेट कर दिया जा रहा है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि वेबसाइट प्राइवेट हो चुका है, बंद हो चुका है तो मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये वेबसाइट को दोबारा दोस्तों कुछ घंटों के बाद चालू कर दिया जाएगा, फिर आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलेगा, हो सके तो आपका 14वें इंस्टॉलमेंट वाला अपडेट किया जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ देर वेट करना है। जैसे ही दोस्तों इसमें कुछ नया अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसा ही कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।